हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो है वो एक गिरावट से रिलेटेड है कि गिरावट क्यों हुई है। ओके, ऑलरेडी मेरे ख्याल से सब लोग भाई बंधु जानते हैं, बट स्टिल अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। और उसके अलावा कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, ओके, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वो बातें करेंगे, तो ये दो तीन चीज़ों से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा नीचे और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है और जो बता रखा है कि और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसे खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें, एक और आपसे न्यूज़ देना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में आपका डीमैट, जीरो डिलीवरी चार्जेस और भी बहुत सारे फायदे हैं। और अगर बात की जाए, एक और श्री राम जी का जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, मतलब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए आप पुण्य काम में मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आप चाहे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इन्हीं की वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और आप वहाँ पर जाके एक महत्वपूर्ण काम में, एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जिससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो कुछ चीज़ है कि निफ्टी। जैसे कि आपको पता ही है, निफ्टी निफ्टी आज के दिन में कितनी लगभग लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 2.04% गिरी है, लगभग 306 पॉइंट्स यहाँ निफ्टी गिरती हुई नज़र आई है। और बट अगर हम देखें पिछले एक महीने में, तो एक महीने में ही ये 11 से 12% बढ़ी भी है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो 12% बढ़ी भी है। और उसके अलावा यहाँ पर फिर अब गिरावट होती हुई हमें नज़र आ रही है। और गिरावट के पीछे रीज़न क्या है? गिरावट के पीछे एक्चुअली दो रीज़न है। पहली बात तो रीज़न ये है कोविड। तो कोविड का क्या अपडेट है? कोविड का अपडेट ये है कि कुछ प्लेसेस पे, लाइक केरला एंड महाराष्ट्र, दो इन दो जगह पर कुछ प्लेसेस में, पूरे प्लेसेस पे भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में वहाँ पर कोविड की दोबारा स्ट्रेन आ गई है, क्योंकि उन्होंने एक साथ ट्रेन खोल दी थी वहाँ की गवर्नमेंट ने, और तो वहाँ पर एक साथ ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पर स्ट्रेन बढ़ती हुई हमें नज़र आई है और कुछ लोग ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आए, जिस वजह से एक लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बट अगर हम यहाँ पर देखें कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो देखिए पहली बात तो इंडिया का जो कोविड टेस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एज वेल एज वैक्सीनेशन। देखिए यहाँ पर लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। अगर बात की जाए यहाँ पर, और मार्च में ये टारगेट है कि बहुत जल्दी, मतलब अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर फ्रेश रेस्ट्रिक्शन आफ्टर स्पाइक इन, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की भी बात की जा रही है। और अगर हम यहाँ पर और भी कुछ बातें करें, तो यहाँ पर एक और अभी 29 मिनट पहले ही एक न्यूज़ भी आई है यहाँ पर, अगर देखें कि नो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इन मुंबई। तो मतलब जो सेकेंड वेव जो है वो मुंबई में नहीं है, ओके, ये ऐसा कहा जा रहा है। नो प्लान्स ऑफ लॉकडाउन, तो यहाँ पर कोई लॉकडाउन का भी प्लान नहीं चल रहा है, जस्ट फॉर रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की बातें चल रही है कि हाँ भाई थोड़ा संभल के मास्क वास्क यूज़ करो, ये वो, तो वही सब की बातें चल रही है, ओके। और आप सभी से निवेदन है कि मास्क वगैरह लगाइए, सैनिटाइजर का यूज़ करिए, डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसी के देख के देखिए यहाँ पर बिकवाली दिखती हुई हमें दिखी है, और बहुत अच्छी वाली बिकवाली दिखी है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये भागेगा नहीं, ये कभी भी भाग सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें तो कुछ डेटा है जो कि मैंने कल भी दिखाया था, देखिए अभी तो अपडेट हुआ नहीं है आज का डेटा, बट ये अगर हम लास्ट सेशन का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे कि जो हमारे DIS है वो तो देखिए कंटिन्यूसली बिकवाली कर ही रहे हैं, ओके, पूरे महीने उन्होंने बिकवाली कर ही दिया है, खरीद के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बिकवाली कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर आप 2 दिन का आंकड़ा देखेंगे, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का, तो ये देखिए यहाँ पर कम होता हुआ हमें नज़र आया, और इस बार तो 118। तो इधर से ये अंदाजा लग गया था कि आज FIIs जो है, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेचने जरूर जाएंगे, तो आज के दिन उन्होंने जरूर बेचा होगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो एक बार आप जाके वहाँ पर डेटा देख लीजिएगा, कैसे देखना, सीधे डालिएगा FIIs एंड DIIs डाटा, तो डेटा तो फिर वहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या आज के डेट में प्रतिक्रिया है। और मैं अगर कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं एक बार इसे दिखा दूंगा।
तो उन्होंने बेचते हुए नजर आए हैं। बट अमेरिका में शायद स्टिमुलस की बातें हो रही है, स्टिमुलस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एज वेल एज वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने की बात हो रही है, तो शायद इस वजह से भी उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करनी शुरू कर दिया। बट अगर हम बात करें तो और भी यूएस ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, गिरावट हो रही है तो गिरावट का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ बेच के खाली हाथ हो जाए, क्योंकि अगर कभी भी अगर ये भागना शुरू किया फिर आप तब नहीं खरीद पाएंगे, तब कहेंगे कि ये भागे जा रहा है तो अब हम नहीं खरीदते। ओके, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, जो आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उन्हें तो रखिए ही रखिए, कोई बात नहीं, गिर रहे हैं नो डाउट, तो उन्हीं में ही आप, अगर आपके पास अच्छे अच्छे स्टॉक है तो उनमें आप खरीदारी शुरू कर दीजिए। अब अगर बात की जाए कौन कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, तो देखिए मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बताए ही है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ब्रिटानिया, मैं भी काफ़ी दिन से सजेस्ट कर रहा था, आज तो ये पॉजिटिव में ही बंद हुआ है, क्योंकि ये अपने 200 DMA के नीचे चल रहा है। एज वेल एज बात की जाए तो 30 के आसपास ही इसका RSI भी चल रहा है, मैंने ये कल की डेट में आपको बताया था। इसके अलावा और भी बात की जाए तो यहाँ पर आप HDFC बैंक पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, ओके, डिविस लैब पे, अगर बात की जाए एशियन पेंट पे भी आप नज़र रख सकते हैं। बट मेन जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेन आपको किस पर नज़र रखनी है, तो मेन मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको मेन जिस स्टॉक्स पर नज़र रखनी है, सबसे पहले विप्रो पर नज़र रखनी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें SCL टेक्नोलॉजी पे आपको नज़रें रखनी है। अब इसके अलावा हम अगर बात करें आपको TCS पे नज़रें रखनी है, क्यों? क्योंकि देखिए लगभग 4% गिरा है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इनके सब के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन थे। और इसके अलावा टेक महिंद्रा को बिल्कुल मत भूल जाना। तो ओके, 5G का जब नाम होगा ना इंडिया में, तब ये सबसे पहले आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन सभी शेयरों की तरफ नज़र रखिए। इसके अलावा जिन शेयरों की तरफ मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ओके, यहाँ पर से ये फिर गिरा, ओके, फिर गिर के ये यहाँ पर फिर भागा, यहाँ पर गिरा था, फिर बताया था, और फिर यहाँ पर ये गया, और इसके बाद दोबारा यहाँ पर 2 दिन से ही गिरावट हो रही है। तो ये कौन सा शेयर है? ये है नौकरी इन्फो एज, ये इंडिया इन्फो एज इंडिया का शेयर है। तो जब भी ये गिरावट हो तो बाय ऑन डिप्स कर करके एक एक दो दो शेयर खरीद के, जैसे भी आपकी इच्छा अनुसार अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा को बिल्कुल मत भूल जाना। 5G का काम जब शुरू होगा तो सबसे पहले ये नज़र आएगा आपको। और कुछ जर्मन की कंपनी या जापान की कंपनी के साथ इन्होंने टाइप्स भी किया है, तो उसकी तरफ भी नज़र रखिएगा। ये देखिए पहले तो भाग ही गया था, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग खरीदना चाहते थे, बट यहाँ पर अच्छा खासा कितना 1013 तक भाग गया था, फिर नीचे आया, फिर 13, तो ये यहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 महीने की बात करें तो इसी रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर अब मौका मिल रहा है यहाँ पर खरीदने का, ओके, इस लेवल पर आपको खरीदने का, तो खरीद लीजिए। रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे और ये काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देता हुआ फ्यूचर में नज़र आएगा। बट ये बात कोई 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट जब तक 5G नहीं आता, ओके, लगभग 1 साल की बात कर रहा हूँ। बट अभी इनके रिजल्ट्स आएंगे तो शायद जैसे अभी भागे थे उसी तरीके से 100-100, 200-200 रुपए का ये मूव दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरा शेयर SCL टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, ओके। अभी 700 CR का यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस भी दिया था इस कंपनी ने, तो इसलिए बोनस दे रही है, तो आपको भी आगे चल के ये बोनस देती हुई नज़र आएगी। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा, जितना गिर सके आप बाय ऑन डिप्स करते रहिए। मैं हमेशा 950 पर भी आपको बताया था, जो 918 पर मिल रहा है, और जितना गिरे उस पर उठाते रहिए एक एक दो दो शेयर, फ्यूचर में आपका वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आएगी। और यही शेयर वो शेयर है जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। इसके अलावा इन्फोसिस को बिल्कुल मत भूल जाइएगा, 3 से और 4 नंबर की सबसे बेहतरीन कंपनी में नजर आती है ये, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, ओके। तो ये शेयर काफी अच्छा बेहतरीन है, आपका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो बोनस डिविडेंड सबके मामले में ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन स्टॉक है ये। और इसके अलावा TCS, तो TCS को ही मत भूलिए। देखिए ये भाग, ये गिर ही नहीं रहा था पहली बात तो, ओके, 3300 से यहाँ पर गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अब देखें तो ये इसी दायरे में पहली बात तो कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग 10% गिर चुका है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और 5 डेज में अगर हम देखें तो देखिए शेयर इसी कंसोलिडेट, बट आज मौका मिल गया है, आज ये लगभग अच्छा खासा यहाँ पर हमें गिरता हुआ नज़र आया, 4% के लगभग, 3.5-4% यहाँ पर गिरा है, और मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो ये तो टेक्नोलॉजी के शेयर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनके जो नंबर है बहुत अच्छे आए हैं, और इनकी जो बैलेंस शीट है काफ़ी बेहतरीन है, और इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज डेट फ्री भी है, और अगर कुछ खतरों के खिलाड़ी अगर
करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है देखिए जो आपको रिटर्न, ये TCS से देखिए, टाटा का ये शेयर है, ये TCS है, तो इसी के बराबर ये शेयर चल रहा है, तो आपको रिटर्न ये ज़्यादा देता हुआ नज़र आएगा। बट इसमें रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर गिरावट जब होगी तो इस तरीके की गिरावट होगी, लगभग लगभग 40-40% की। बट TCS में इस तरीके की कोई गिरावट, आपको इतनी बड़ी गिरावट होती नहीं दिखाई नहीं देगी जितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर टाटा एलेक्सी में। बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा IT से रिलेटेड शेयर है, ऑटोमेशन से रिलेटेड शेयर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब EV की बातें होंगी तो इस शेयर की बातें जरूर होंगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका मॉडल्स मॉड्यूल तैयार करता हुआ हमें नजर आएगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इसे भी बाय ऑन डिप्स करके खरीद सकते हैं। 1600 पे भी मैंने ये शेयर आपको रिकमेंड किया था और अब 3000 पे गया था, और 3000 पे जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो बाय ऑन डिप्स करके इसे भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, ओके, इस शेयर को बिल्कुल मैं भूलिएगा, LTTS के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और इनका शेयर है LTI, ओके, लार्सन टुब्रो एंड इन्फोटेक, तो दोनों शेयर की तरफ नज़रें बना के रखिएगा। ये शेयर भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, और इसका कंपैरिजन मैं किससे करता हूँ, LTTS का, इसका कंपैरिजन टाटा एलेक्सी के साथ करता हूँ। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ गिरते हैं, तो ध्यान दोनों शेयरों को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो IT के शेयरों पर ज़्यादा जोर दीजिए क्योंकि इन्होंने रिजल्ट काफ़ी अच्छे पेश किए थे। इसके अलावा कुछ FMCG सेक्टर को भी आप पकड़ के चलिए, और अगर जिस तरीके से अगर कोविड की न्यूज़ आ रही है तो कुछ दिग्गज जो फार्मा स्टॉक है, जैसे कि मैंने इपका लेबोरेटरी एज वेल एज आपको डिविस लैब के बारे में आपको बताया है, तो इनकी तरफ भी आप नज़र रखिएगा। तो ये सारे के सारे शेयर थे, और बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट कितनी भी गिरे गिरती रहती है, बट अगर आप इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर एक गिरावट आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, और पोर्टफोलियो हर एक का नेगेटिव ही होगा। ओके, इतनी गिरावट, इतना बड़ा है भागा है इतना बाजार, तो इतनी गिरावट भी मुमकिन ही है। तो अगर अच्छा खासा आपको पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए, और अच्छा ये अच्छे अच्छे जितनी भी गिरावट हो रही है बाय ऑन डिप्स करते रहिए, इस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और हमारी इस चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।